नेक्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टू इंक्रीज इन इंडियंस वॉज इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स. सेवरल मूवमेंट्स एंड इवेंट्स इन द फॉरन कंट्रीज ऑल्सो हेल्प्ड इन अवेकनिंग द नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया. उस वक्त जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे इवेंट्स हो रहे थे उससे भी इंडियंस को इंस्पिरेशन मिल रहा था. द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाई यूएसए में इंडिपेंडेंस आ गया था. इन 1776 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी इन 1870 डिफीट ऑफ रशिया बाई जापान इन 1904 इंस्पायर्ड द इंडियंस. इन सारी इवेंट्स से इंडियंस को इंस्पिरेशन मिला. दे बिकेम कॉन्फिडेंट, उनको बहुत कॉन्फिडेंस हुआ, कहने लगे हाँ जैसे सब लोगों ने अपने कंट्री के लिए इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की वैसे हम लोग भी करेंगे अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस. सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, इसके बाद जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडियन नेशनल फीलिंग की अवेकनिंग में वो है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट. द वेरियस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट विच टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हैज इंक्रीज नेशनल कॉन्शियसनेस. उससे भी इंक्रीज हुई नेशनल कॉन्शियसनेस सब में. अमंग द पीपल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राम कृष्ण देव मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, जो सती प्रथा थी, जो बाल विवाह था उसको जो रोका जा रहा था, करा जा रहा था, जो हो रहा था उससे भी सारे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा था. हेल्प इन रिफॉर्मिंग इंडिया, दीज मूवमेंट्स एम टू एस्टैब्लिश इक्वल राइट ऑफ इंडिविजुअल, कि सबके इक्वल राइट्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और क्रीड. वो किस कास्ट में पैदा हुए हैं, वो शूद्र हैं कि अच्छी कुल के हैं, या छोटे हैं कि बड़े हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं, सारे डिफरेंसेस खत्म हो रहे थे. इससे भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि अगर एक कोई कम्युनिटी कोशिश करती तो ना जीत पाती. पूरे इंडिया के सारे लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी थी, तभी इतने बड़े माइटी पावर से इंडिया फाइट करने के काबिल बन सकता था और इंडिया को फ्रीडम मिलती, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई वही हम आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं. इन दिस वे द नेशनल डेमोक्रेटिक, जो राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट, ये सारे नाम हैं, क्या कहते हैं, विवेकानंद, ये सारे लोग हैं जिन लोगों ने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म किए थे. आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा. इन दिस वे द नेशनल डेमोक्रेटिक अवेकनिंग गिव बर्थ टू सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल एंड फाइनली इंडिपेंडेंस. और इसी तरह फिर अंत में हम लोगों को क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली. इसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ बाय द ब्रिटिश, जो डिस्क्रिमिनेट करने वाली ब्रिटिशर्स के लॉज और पॉलिसीज थी उससे भी इंस्पिरेशन मिले. द रेशियल एरोगेंस, उनका जो एरोगेंस था, एरोगेंट बिहेवियर था, रूड बिहेवियर था ब्रिटिशर्स टूवर्ड द इंडियंस के लिए, जो वो बिल्कुल बुरी तरह बिहेव करते जैसे बिहेव नहीं करते, प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग देम कॉन्शियस ऑफ देयर कंडीशन. ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ द एजुकेटेड इंडियंस टू सर्व इन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको हाई पोस्ट नहीं देती थी, भले जितने भी एजुकेटेड हों. एज लिमिट फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स, के लिए 19 साल के तक उन्होंने रिड्यूस कर दिया. द एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन ब्रिटेन, और एग्जाम कहाँ होता था, ब्रिटेन में. दिस चेंज वॉज एक्चुअली इंटेंडेड टू प्रिवेंट द इंडियंस फ्रॉम एंटरिंग द सिविल सर्विसेज. बनाया इसलिए कहते कौन ब्रिटेन तक पहुँच पाएगा, कौन एग्जाम दे पाएगा, तो एक्चुअली उन्होंने क्यों बनाया था कि इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए. द इनएक्टमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ लॉज फर्दर क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, इससे सारे को डिससेटिस्फैक्शन फैल गया पूरे, वाइड स्प्रेड मैंने पूरे में, अमंग द इंडियंस, सारे इंडियंस इससे बहुत डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे. द वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 कर्ब्ड द लिबर्टी ऑफ इंडियन प्रेस. उन्होंने क्या कहा, जो भी आपको छापेंगे, वट एवर विल बी प्रिंटेड इन द न्यूज पेपर्स, उनको पता होना चाहिए ब्रिटिशर्स को. तो इससे क्या हुआ कि प्रेस की फ्रीडम खत्म कर दी. जब प्रेस फ्री नहीं है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करता फ्रीली, तो ऐसे होने से क्या, किसी की कठपुतली बन के रहना, ये भी लोगों को पसंद नहीं आया. द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस. ये देखो आ गया ना, ये उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस में क्या छप रहा है, न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है, वो सब उनको पता होना चाहिए ब्रिटिशर्स को. एंड एनीथिंग दैट वॉज फाउंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शनेबल, जो भी ऑब्जेक्शनेबल होगा वो छापा नहीं जाएगा, वो प्रिंट नहीं किया जाएगा.